कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम मरियम है और उसका हस्बैंड रॉय को दिखाया जाता है जो अपनी बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। इसलिए वह अपनी वाइफ मरियम से ठीक से भी बात नहीं कर रहा था और मरियम को भी अपने पति का यह रूल है जिसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है जिसमें वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है जिसे देखकर युड़ा बहुत ज्यादा हैरान होता है और वह सोचता है कि इतनी प्यारी लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद में वह उसका पीछा करने लग और घर में तो पहले से ही तंगी चली आ रही है, सॉरी तुम अभी पेंटिंग नहीं बनवा सकती, लेकिन मरियम कहते कि वह तो पेंटिंग फ्री में बनाना चाहता है तो मरियम का हस्बैंड रॉय उसे हाँ कर देता है। जिसके बाद मरियम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने फादर की पिक्चर ढूंढती है जो कि फटी हुई मिलती है, लेकिन उसे उस पेंटर युड़ा पर पूरा ट्रस्ट होता है कि वह पेंटिंग अच्छी बना देगा। और अब अगली सुबह होती है तो मरियम उस पेंटर युड़ा के घर जाती है और कहती है पिक्चर मेरे फादर की है और तुम मेरे फादर और मेरी पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से बनाना। इसके बाद पेंटर युड़ा कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र किसी को नहीं मरवाना। तब गैंगस्टर रोजी कहता है कि फिक्र मत करो मैं नहीं मारता उसको, लेकिन गैंगस्टर रोजी इतना अच्छा कैसे हो सकता था और वहाँ पर अकेली ही मरियम एक लड़की थी इसलिए वे लोग उस पर काफी ज्यादा अत्याचार करते हैं। लेकिन मरियम के पास एक स्किल्स होती है कि वह अपना सेल्फ डिफेंस करना जानती थी इसलिए वह सब आदमी को मार कर बाहर आ जाती है और वह पेंटर युड़ा से भी ऐसा करने को कहती है और दोनों एक साथ बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसे गैंगस्टर ओजी के आदमी आकर उस पेंटर युड़ा के पेट में चाकू घोंप देते हैं और मरियम वहाँ से भागते भागते एक जगह पर पहुँच जाती है जो कि एक ब्रिज होता है और वह काफी ज्यादा परेशान होती है। लेकिन तभी उसे सामने से पुल पर एक जीप आती दिखाई देती है और तब वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है यह सोचते हुए कि मैं इन लोगों से हेल्प मांगूंगी। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि यह जीप तो उसी गैंगस्टर ओजी की थी और वह गैंगस्टर ओजी उसे फिर से पकड़ लेता है, उसके पेट में चाकू मारकर उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है और यह सब कुछ होता हुआ देख वह पेंटर युड़ा अपनी आंखों से देख रहा होता है और यह सब कुछ देखकर वह पेंटर युड़ा बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है और वह सीधा पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन लोगों ने मरियम को ब्रिज से नीचे फेंक दिया है। पुलिस कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तब वह पेंटर युड़ा कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना मैंने अपनी आंखों से देखा है इसीलिए आप मेरे साथ चले। लेकिन पुलिस जब वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें उसकी डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती। तब वह पेंटर युड़ा से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो सकता है कि तुम ही ने मरियम को किडनैप करके उसे मार दिया होगा और उसकी डेड बॉडी भी कहीं पर छुपा दी होगी। और अब हम रात में देखते हैं कि मरियम का हस्बैंड रॉय सो रहा होता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह नीचे जाकर देखता है तो मरियम की मरी हुई बिल्ली चलकर आ रही होती है और उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ होती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे मरियम का कटा हुआ सर उसके सामने पड़ा हुआ हो। लेकिन वह उसका एक सपना होता है और वह हमेशा मरियम के सपनों में डर जाया करता था और उसे ऐसा लगता था जैसे मरियम की आत्मा उसे आकर डराना चाह रही हो। और उस शहर में भी लोग बातें करने लगते हैं कि हमने मरियम की आत्मा को देखा है और वह उन्हें ब्रिज पर नजर आती है और यह बात सच थी कि मरियम की सोल वहाँ पर भटकती थी क्योंकि वह उन गैंगस्टर ओजी से अपना बदला लेना चाहती थी। इसके बाद में वह उसके साथियों को मारे जा रही थी और अगले दिन जब सारे लोग उन गैंगस्टर ओजी की बॉडी को देखते हैं तो डर जाते हैं। लेकिन अब वह गैंगस्टर ओजी अपने आदमियों से कहता है कि मैं सोल्स पर यकीन नहीं रखता और तुम भी उस चीज से मत डरो वरना कोई भी काम तुम ठीक से नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ शहर के लोग बातें कर रहे होते हैं कि मरियम की सोल बाकी सबको मार डालेगी जिसने उसके साथ बुरा किया, लेकिन पेंटर युड़ा कहता है कि नहीं मरियम बहुत अच्छी थी और अगर कोई उसके साथ बुरा भी करता था तो वह उसके साथ अच्छा ही करती थी। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और मरियम की आत्मा उन सभी गैंगस्टर ओजी के लोगों को मारती जा रही थी और अब वो गैंगस्टर ओजी अकेला रह गया था और उसको एक आइडिया भी आता है जिसमें वह सोचता है कि शायद मरियम की सोल उस पेंटर युड़ा को नहीं मारेगी इसीलिए वह उसके घर चला जाता है ताकि वह उसके घर में रह सके। लेकिन जब उस पेंटर युड़ा को पता चलता है कि यह वही गैंगस्टर ओजी है जिसने मरियम को मरवाया था तो उसे काफी गुस्सा आता है और वह उसे लॉक कर देता है और उसको यह भी पता चल चुका था कि मरियम के हस्बैंड ने मरियम के घर को अपने नाम करवाने के लिए यह सब कुछ ड्रामा करवाया था और वह मरियम के हस्बैंड पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन मरियम का हस्बैंड रॉय ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था और ना ही उसे कोई पछतावा था और ना ही उसे अब उस घर से मतलब था और वह खुद को चोट पहुंचाने लगता है और वह खुद को जख्मी कर लेता है और तेज चिल्लाने लगता है कि कोई मेरी मदद करो ताकि सब लोग यही समझे कि पेंटर युड़ा उसे मार रहा है। तब वहां पर सारे गांव वाले आ जाते हैं जो कि पेंटर युड़ा को पकड़ लेते हैं, लेकिन पेंटर युड़ा उनसे कहता है कि तुम लोग मेरी बात पर यकीन करो वह मरियम का हस्बैंड रॉय ही था जिसके कहने पर गैंगस्टर ओजी ने हम दोनों को किडनैप किया और हम लोग वहाँ से भाग कर आए लेकिन उन लोगों ने मरियम को मार दिया। जहाँ पर गांव वाले कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो तो पेंटर युड़ा उन सबको अपने घर लेकर आता है ताकि उस आदमी से वह बात करवा सके। लेकिन जब वे उसके घर पर पहुँचते हैं तो गैंगस्टर ओजी भी लटका हुआ मिलता है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा था जहाँ पर उसे किसी ने मार दिया था तो गांव वाले पेंटर युड़ा पर ही शक करते हैं।
हैं कि तुमने ही इसे मारा होगा। तब पेंटर यूडा कहता है कि अगर मैंने इसे मारा होता तो क्यों मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आता। उसके बाद पेंटर यूडा बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मरियम का हस्बैंड रॉय पुलिस से कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, कहीं वे पेंटर यूडा मुझ पर भी अटैक न कर दे। और वह बड़ी आसानी से सिक्योरिटी ले लेता है। और अब रात को मरियम की आत्मा आकर उसे नहीं डराने लगती। और तभी उनके घर में वह गैंगस्टर ओजी का लीडर आता है और कहता है कि जो तुमने गैंगस्टर ओजी से पैसे लिए थे वह मुझसे लेकर उसने तुम्हें दिए थे, और अब वह मर चुका है तो तुम मेरे पैसे फौरन से वापस कर दो वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और तुम्हारी माँ को भी। और दोस्तों यहाँ पर उसे वह मरियम भी डराया करती थी, जिससे वह अपनी लाइफ में काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। फिर वह एक फादर को लेकर उस ब्रिज पर जाता है जहाँ पर मरियम की डेथ हुई थी, ताकि वहाँ से मरियम की आत्मा को भगाया जा सके। लेकिन मरियम की आत्मा पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, तो वह फादर वहाँ से चला जाता है और मरियम के पति के साथ आया एक आदमी से शूट करने लगता है। लेकिन मरियम वहाँ पर उसका चाकू छीनकर उसका गला काट देती है। और मरियम का हस्बैंड रॉय यह सब कुछ देखकर डर जाता है। और तब मरियम उसके पास उसे मारने के लिए आती है, तो रॉय उसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारा अफेयर उस पेंटर के साथ चल रहा है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, और मैंने तुम दोनों को जान से मरवाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने कोशिश की थी कि ओजी तुम्हें ना मारे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। और अब यूडा बताता है कि आज तक हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि मरियम ने हमेशा तुम्हारे प्यार की इज्जत की है और वह तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। इसके बाद रॉय कहता है कि मुझे पता है कि मरियम मुझसे ज्यादा डिजर्व करती है, वो चाहे तो मुझे जान से भी मार सकती है और मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद मरियम रोने लगती है और अपना चाकू फेंक देती है, और उसके बाद उसका पति भी उसे अपने गले लगा लेता है। जिसके बाद में वह कहता है कि अब अपनी जिंदगी की शुरुआत स्टार्टिंग से करेंगे। लेकिन तभी ओजी के लीडर का आदमी आकर यूडा के सर पर वार कर देता है, और इससे पहले कि वह यूडा को जान से मारता मरियम उसे चाकू से मार देती है। और फिर रॉय भी पीछे से आकर मरियम के पेट में चाकू घुसा देता है, और वह कहता है कि वह उसे प्यार तो करता है लेकिन उसे अपनी फैमिली के लिए ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मेरी फैमिली की जान खतरे में है। और अब मरियम की ऐसी हालत देखकर यूडा रॉय के सर को पत्थर से कुचलकर मार देता है, जिसके बाद मरियम यूडा की गोद में दम तोड़ देती है। और इसके बाद यूडा उसकी लाश को लेकर नदी के नीचे बहा देता है और अपने आप को पुलिस के आदमी के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद में उसे आजीवन कारावास हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ओजी का लीडर मरियम के घर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन दोस्तों मरियम अब सच में भूत बन चुकी थी और वह उसे और उसके आदमी को जान से मार डालती है। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि अब ओजी भी भूत बन चुका है जो ब्रिज पर आने जाने वाली लेडीजों को डराता है। और दोस्तों यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर यह मूवी आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।